हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ ACTE. ACTE में हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे यूनिट वन में फाइबर्स के बारे में. आज वाले क्लास में हम लोग प्लास्टिक्स डिस्कस करेंगे. प्लास्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और प्लास्टिक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस पर हम लोग लास्ट में एक शॉर्ट ब्रीफिंग डाल लेंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह हम लोग प्लास्टिक को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक प्लास्टिक में एक्सप्लेन करने को नहीं है, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. आपको सिर्फ बताने हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो हैं, वो क्या क्या टाइप्स होते हैं अलग अलग, ताकि आपको इमेज से कोशिश करेंगे दिखा सके, ताकि आपको पता रहे कि आप जब भी हम लोग किसी की बात करेंगे PVC की, RPVC की, तो क्या डिफरेंस होता है इन चीज़ों में, ये आपको समझ में आ जाए. और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे जो आपको थ्योरेटिकली ही रहते हैं, प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. प्रैक्टिकली जब आप साइट पर जाते हैं तो प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप उसका सुटेबिलिटी देखते हैं कि क्या अवेलेबल हो रहा है और क्या आपका पर्पज़ है, उस पर्पज़ के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप सिर्फ वो देखते हैं. उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो थर्मल इंसुलेटर है या नहीं है, वो आपको हीट को ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट साइट पर नहीं हो पाती हैं. क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता रहती है कि जब आपको कहीं पे अगर प्लम्बिंग में यूज़ करना है तो प्लम्बिंग में अगर आपको रेन वाटर को अगर आपको डिस्चार्ज करना है उसके जगह पे आप पाइप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता है कि रेन वाटर जो होगा उसमें कोई टेम्परेचर का इशू नहीं होगा. तो जब टेम्परेचर इशू नहीं होगा, केमिकल अटैक का इशू नहीं होगा, तो उस केस में आप वहाँ पे PVC यूज़ करेंगे या RPVC यूज़ करेंगे, तो वो आपको पता है कि अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उसमें कौन सी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं. तो बस इतना सही आपको साइट पर काम आता है. लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको इसमें ये थ्योरी एग्जाम्स में आ सकते हैं कि प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए. तो इसलिए आपको ये थ्योरीज और इसके यूजेस वगैरह जो है ये जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो डिटेल नोट्स जो है वो तो आपको नोट्स में गिवन है, वो आपको लिंक शेयर हो चुका होगा. तो हम लोग जो बोर्ड पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो उस नोट्स में नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ उस नोट्स से भी आपको मतलब नोट डाउन किया हुआ है. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग एक एक करके सारे ही टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स का डिस्कस करेंगे. तो अब प्लास्टिक्स को जनरली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग 6 या 7 टाइप्स में डिस्कस करेंगे. पहला आपको PVC, दूसरा RPVC, HDPE, LDPE, और आपको FRP, GRP, और एक प्लास्टिक शीटिंग मटेरियल मतलब प्लास्टिक शीट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग जब अपने स्लैब कास्टिंग करते हैं सबसे बॉटम में जो हम लोग शीट प्रोवाइड करते हैं ताकि सीमेंट पेस्ट जो है वो आपको वापस डिस्चार्ज नहीं हो जाए, ब्लीडिंग जब हो तो वो आपको उस कॉन्क्रीट में ही रहे, वो आपको नीचे की तरफ मतलब डिस्चार्ज ना हो जाए ग्राउंड पे. तो इससे क्या होगा कि आपको अगर इनकेस प्लास्टिक नहीं प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट शटरिंग पर रखते हैं, तो अगर हम लोगों के कंक्रीट जब हम लोग फ्रेश कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्योंकि लिक्विड उस समय फॉर्म में रहता है, तो वो अगर सीमेंट स्लरी जो है सीमेंट पेस्ट अगर आपको डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपका जो स्लैब का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो आपका गेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीमेंट से ही वो स्ट्रेंथ आपको गेन होने वाला है. तो इसलिए हम लोग वो प्लास्टिक शीट वगैरह यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहला चीज़ जो होगा वो होगा आपका PVC. सबसे पहले हम लोग PVC डिस्कस करेंगे. PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है. हम लोग ये PVC के जो पाइप्स हैं ये आपके इमेज में आपके सामने आ रहा होगा. हम लोग कई जगह पे ये PVC पाइप्स को यूज़ किए हुए हैं, आप देखे भी होंगे कई जगह पे ये पाइप्स को. आप प्लम्बिंग में खास करके ज़्यादातर यूज़ होता है, फिर आपको हाउस में भी कई बार आपको जो प्लास्टिक के आप लैमिनेशन बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपको कई बार PVC के बने हुए होते हैं. तो ये सारे का इमेजेस अगर पॉसिबल होगा तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. अब PVC आपका विनाइल पॉलीमर होता है. ये आपको जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं. अब इसमें आप अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे PVC का, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. वन ऑफ द लीस्ट रिसाइकल मटेरियल PVC जो है, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% ऑफ द PVC को रिसाइकिल किया जाता है, बाकी 99% जो है ये आपको वेस्टेज में काउंट होता है, क्योंकि उसका जो रिसाइकिल जो उसका वैल्यू होता है वो आपको बहुत ज़्यादा PVC का नहीं होता है. तो इसलिए PVC थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है अदर मटेरियल्स के कॉम्पेटिवली, क्योंकि आपको जब ये 99% आपको ये वेस्टेज में अगर जा रहा है तो इस और इसका क्योंकि एक लाइफ स्पैन होता है कि आप इसको कुछ टाइम तक ही कुछ साल तक ही आप इसको यूज़ कर पाते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अगर आप दूसरे मटेरियल यूज़ करते हैं तो सेम कॉस्ट में दूसरा मटेरियल जब ज़्यादा दिन चलता है, जब ज़्यादा उसकी लॉन्गिविटी होती है, तो आप कंसिडर करते हैं कि जो आप PVC यूज़ किए थे वो आपका थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है. तो इस तरह से PVC जो है वो आपका लीस्ट रिसाइकल मटेरियल है. आप लिख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% जो है ये आपको रिसाइकल होता है, ये सिर्फ 1%. ठीक है, PVC को हम लोग पॉइजन प्लास्टिक भी कहते हैं. अब पॉइजन प्लास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि PVC जब कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है अपने इंडस्ट्रीज में, तो उसमें हम लोग जब ये
फैथलेट्स जब हम लोग यूज करते हैं, ये आपको एक पॉलीमर होता है, ये आप लोग जब उसको मिक्स करते हैं, एक तरह से आप समझिए कि ये एक एडमिक्सचर होता है। ये जो फैथलेट्स है ये हम लोग यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका जो पीवीसी है उसमें आपको और एक्स्ट्रा सॉफ्टनिंग हम लोगों को मिल सके। जो नॉर्मल पीवीसी की सॉफ्टनिंग होती है जब हम उसमें फैथलेट्स यूज करते हैं तो वो थोड़ा और एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है ताकि हम उसको अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकें। तो ये जब हम लोग फैथलेट्स यूज करते हैं तो आपको ये बहुत ही डेंजरस एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि वहाँ पे वर्कर्स जो वर्क करते हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत ही हजार्डस हो जाता है। ये एक कैंसर का एक सोर्स हो जाता है, कैंसर के एक जो वर्कर्स वहाँ वर्क करते हैं उनमें ये आगे जाकर के कैंसर डिटेक्ट होने का एक चांस हो जाता है। तो इसलिए आपको ये पीवीसी को हम लोग पॉइजन प्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो ये तो था आपको एक इंट्रोडक्शन पीवीसी का। प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो रेजिस्टेंट टू फायर, वाटर, फ्लेम्स एंड कोरोजन। फायर रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट मतलब क्या, फायर प्रूफ नहीं होगा, फायर रेजिस्टेंट होगा। एक बार में जब आप उसमें फायर कैच कराने की अगर ट्राई करेंगे तो वो जल्दी फायर नहीं कैच करेगा, उसको हम लोग कहते हैं फायर रेजिस्टेंट, ठीक है। बट अगर फ्लेम्स बहुत ज़्यादा होंगे और फ्लेम्स का अगर हीट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में उसमें फायर जो है वो और मटेरियल्स के कॉम्पिटिवली थोड़ा लेट से कैच करेगा, बट कैच कर सकता है। रेजिस्टेंट का मतलब यही होता है, प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू फायर, वाटर, वाटर रेजिस्टेंट तो होता ही है क्योंकि हम लोग उसमें जब अगर वाटर इसके अंदर से हम लोग जब अगर ड्रेन में उसको यूज़ करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें से वाटर जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। जैसे अगर आप एक क्लोथ का मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसमें अगर आप एक क्लोथ से ही अगर आप वाटर को अगर आप पेनेट्रेट करना चाहेंगे तो वो पेनेट्रेट हो जाता है। तो उसी तरह से आपको पीवीसी में आप जब वाटर पेनेट्रेट करना चाहेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ तो वो नहीं होगा। तो ये आपको एक वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद आपको ये फ्लेम्स रेजिस्टेंट भी है और आपको ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। पीवीसी पाइप में कोरोजन भी आपको नहीं लगता है। उसके बाद लाइट वेट मटेरियल होता है ये पीवीसी, आपको बहुत ही लाइट होता है इसलिए इसको कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत ही कन्वीनियंट होता है। आप इसको बिल्डिंग्स में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपको अगर इसको ये 8th फ्लोर पे अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में आपको इश्यू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंट इंसुलेशन, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होता है ये भी बहुत ही एक्सीलेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करने को नहीं है तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का आपको पॉइंट्स नहीं है। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे वो हम आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया उसका प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस पे आते हैं। यूज टू मेक रेनकोट्स, शावर कर्टेंस, वाटर पाइप्स। आप शावर कर्टेंस आप समझ रहे होंगे क्या होता है। कई बार जब आप कंबाइंड वॉशरूम देखते होंगे होटल्स वगैरह में या कहीं पे भी, तो आपके जिसमें वॉशरूम और आपके यूरिनल जिसमें अटैच किए रहते हैं तो कई बार दोनों के बीच में एक कर्टेन आपको ट्रांसपेरेंट कर्टेन प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं शावर कर्टेन। तो वो आपको पीवीसी मटेरियल का बना रहता है। उसके बाद आप उसको यूज करते हैं रेनकोट्स वगैरह में, रेनकोट्स भी पीवीसी मटेरियल के आते हैं, बहुत ही थिन पीवीसी के आते हैं। थिक पीवीसी के जो थिक पीवीसी होता है वो हम लोग वाटर पाइप्स वगैरह में यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके वॉशरूम्स वगैरह में जो आपके टेप से लेकर के आपके फ्लश तक का जो आपके फिल करता है जो पाइप, वो आप पीवीसी का देखेंगे, या कई और दूसरे जगह पे भी आप पीवीसी का पाइप वाटर ट्रांसपोर्ट करने में आप देखेंगे यूज होता है। तो वो होता है आपको थिक पीवीसी। जब उसका थिन फॉर्म हम लोग यूज करते हैं तो वो आपका रेनकोट्स और शावर कर्टेंस वगैरह बनाने में काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इसको कंबाइन करते हैं हम लोग फैथलेट्स के साथ तो इट कैन बी यूज्ड इन क्लोथिंग, फ्लोरिंग एक्सेट्रा। फैथलेट्स क्यों यूज कर रहे थे हम लोग, ताकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाए। जब एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है तो हम लोग उसको एक थिन क्लोथ में भी उसको कई बार यूज कर सकते हैं, तो इसलिए उसको क्लोथिंग में। और कई बार आप हॉस्पिटल्स वगैरह में या मॉल्स वगैरह में देखेंगे कि आपको एक फ्लोरिंग जो किया हुआ होगा वो आपको ऐसा लगेगा कि प्लास्टिक का फ्लोरिंग है, वो आपको थोड़ा सा उसमें ग्रिप रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। तो वो जो मटेरियल होता है वो आपको पीवीसी होता है कंबाइंड विद फैथलेट्स। जब आप पीवीसी को फैथलेट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आपने खासकर इसको देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह के फ्लोर्स में। जब आप हॉस्पिटल के जो जनरल फ्लोर्स को अगर छोड़ करके जो अपर फ्लोर्स पे जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें नीचे में जो फ्लोरिंग है वो टाइल्स और मार्बल्स नहीं यूज होकर के कुछ प्लास्टिक टाइप का मटेरियल यूज होता है जिसमें अलग अलग डिजाइन वगैरह बने होते हैं। तो वो आपको पीवीसी होता है कंबाइंड विद फैथलेट्स। ये स्पेशली इंडस्ट्रीज में ऑर्डर करने के बाद बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पीवीसी का एक और प्रॉपर्टी है कि ये आपको प्लास्टिक बिहेवियर का होता है। हम लोग अभी तक डिस्कस कर ही रहे हैं कि फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक होता है, क्योंकि हम लोग उसको क्लोथ में भी यूज कर पा रहे हैं क्लोथिंग मटेरियल के जैसे, या हम लोग शावर कर्टेन भी बना पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत ही प्लास्टिक बिहेवियर का है, उसको हम लोग मोल्ड कर पाते हैं किसी भी शेप में।
अब जब हम इसी पीवीसी का एक टाइप होता है आरपीवीसी, मतलब रिजिड पीवीसी, ये था आपको प्लास्टिक पीवीसी, ये होगा आपको अनप्लास्टिसाइज पीवीसी। कई बार इस पीवीसी आरपीवीसी को हम लोग यूपीवीसी भी बोलते हैं, यूपीवीसी का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये आपको प्रॉपर्टी जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ये आपको बहुत सारी चीजों में पीवीसी से बेटर हो जाता है। अब जैसे आपको इट इज अ स्टिफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लास्टिक विद हाई रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट वाटर वेदर केमिकल एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट, ये आपको पीवीसी के कॉम्पेटिवली थोड़ा स्टिफ हो जाता है क्योंकि अनप्लास्टिसाइज्ड है, ये प्लास्टिसाइज था तो अनप्लास्टिसाइज का मतलब है कि ये थोड़ा स्टिफ होगा। अब स्टिफ होने के साथ साथ ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेम अगर आप पीवीसी यूज करते हैं उसका जो लाइफ स्पैन होगा, और सेम अगर आप आरपीवीसी यूज करते हैं और दोनों का कॉस्ट अगर सेम है और इसका लाइफ स्पैन अगर आपको ज्यादा है तो ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। आपको 10 ईयर्स अगर ये चल रहा है और ये आपको 5 ईयर्स चल रहा है सेम कॉस्ट में, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद इसमें हाई रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट, मतलब कई बार अगर आपका कोई हैवी मटेरियल इसके ऊपर गिर जाता है, अगर आरपीवीसी के ऊपर, तो वो इंपैक्ट को ये रेजिस्ट कर लेता है। और अगर पीवीसी के ऊपर जब कोई हैवी मटेरियल अगर गिरता है तो क्योंकि वो प्लास्टिक बिहेवियर का होता है तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ब्रेकिंग के उसमें चांसेस हो जाते हैं, ये चीज़ें इसमें जो है ये थोड़ा बेटर होता है, इसका जो इम्पैक्ट रेजिस्ट करने का कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके साथ वाटर तो ये भी रेजिस्ट कर लेता है, पीवीसी भी रेजिस्ट कर लेता है, ये वेदर को भी रेजिस्ट कर लेता है, पीवीसी भी वेदर को रेजिस्ट कर लेता है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया है, बट पीवीसी भी आपको वेदर को रेजिस्ट कर लेता है। तो वाटर, वेदर, ये दोनों चीजें जो है, और कोरोसिव एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें आपको पीवीसी में ही मिलती है, आरपीवीसी में ही मिलती है। जो नहीं मिलता है वो है आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और केमिकल अटैक से भी ये आपको आरपीवीसी जो है ये ज्यादा आपको सेफ होता है। पीवीसी के केस में केमिकल अटैक में आपको डिग्रेडेशन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं आरपीवीसी के कॉम्पेटिवली, ठीक है। उसके बाद बेटर केमिकल रेजिस्टेंस देन पीवीसी, ऑब्वियसली जब केमिकल अटैक में आरपीवीसी आपको पीवीसी से ज्यादा बेटर होता है तो केमिकल रेजिस्टेंस इसका मतलब उसका ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड वेपर बैरियर प्रॉपर्टीज। वेपर बैरियर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कई बार अगर आप उसको गैस वगैरह या वेपर्स वगैरह अगर आप जब कैरी कर रहे होते हैं अपने आरपीवीसी पाइप में, तो आपको ये बाहर के एनवायरनमेंट से जो उसको बैरियर की तरह काम करता है, वो उसमें जो उसकी बैरियर प्रॉपर्टीज होती है वो उसका अच्छा होता है। मतलब बाहर एनवायरमेंटल में किस तरह का कंडीशन है उससे आपको जो वेपर जो उसमें क्रॉस कर रहा है उसमें आपको बिहेवियर में उसके चेंजेस नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हम लोग कई बार आरपीवीसी का पाइप यूज करते हैं, जनरली आपको आरसीसी के पाइप्स यूज होते हैं, बट हम लोग कई बार छोटे जगह पे या छोटे बजट में हम लोग वेपर बैरियर हम लोग आरपीवीसी भी यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यूजर्स पे आ जाते हैं, मोस्टली यूज फॉर प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि प्लम्बिंग हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, उन सारे में हम लोग इसको मोस्टली यूज करते हैं। पहले कास्ट आयरन का पाइप भी यूज होता था, तो वो एक तो कॉस्टली होता था, प्लस उसका हैवी होता था, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट होता था, लेइंग उसका डिफिकल्ट होता था, तो उन सारे चीजों को ये रिप्लेस कर दिया है अब आरपीवीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जो हम लोग पॉलीथीन जिसको हम लोग जानते हैं वो आपका पॉलीइथिलीन होता है केमिकली। अब वो पॉलीइथिलीन कहीं जब आपको डेंसिटी बहुत हैवी होता है तो वो HDPE कहलाता है, और जब वो बहुत लाइट होता है जिसको हम लोग कैरी बैग्स वगैरह यूज करते हैं तो वो आपको LDPE कहलाता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो HDPE जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये आप ज्यादातर यूज जो आप देखते होंगे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो हम लोग अपने वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हम लोग बाय करते हैं तो उसके जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, वो आपको HDPE के बने होते हैं, ये उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। अब HDPE का प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज लॉन्ग वर्चुअली अनब्रांच पॉलीमर चेन्स विच मेक्स देम रियली डेंस, स्ट्रॉन्गर एंड थिकर फ्रॉम PET। अब PET क्या होता है, पॉलीइथिलीन टेरिफ्टाइलेट्स। आपके स्क्रीन पे PET के एक फॉर्म का इमेज आ रहा होगा। PET हम लोग जनरली यूज करते हैं जो हमारे वाटर बॉटल्स होते हैं, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर बॉटल्स होते हैं, वो आपको जो मटेरियल होता है वो मटेरियल होता है आपका PET, पॉलीइथिलीन टेरिफ्टाइलेट्स। अब इसके आपको ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है HDPE, ऑब्वियसली अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप एक प्लास्टिक के जो हम लोग बॉटल्स यूज करते हैं वाटर बॉटल्स, उसको और जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स के जो 5 लीटर के जो जार्स होते हैं आप उसको अगर कंपेयर करेंगे तो वो दोनों ही आपको PET और HDPE का प्राइम एग्जांपल है। अब आपको उससे ही समझ में आ जा रहा होगा कि HDPE आपको ज्यादा डेंस होगा, वो ज्यादा डेंस आपका वो मटेरियल होता भी है, आपको स्ट्रॉन्गर होता है और थिकर होता है, किससे, PET से। तो ये आपको एक उसका प्रॉपर्टी है कि PET से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उससे ये ज्यादा थिकर है, ज्यादा डेंसर है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है।
तो ये ज्यादा लोड जो आपको इम्पैक्ट होता है वो भी आप ये रजिस्ट कर पाएगा। एच डी पी जनरली जो आपका जितना लोड आपका जितना इम्पैक्ट आपका पीईटी रजिस्ट कर पाएगा, जो आपके प्लास्टिक बॉटल्स जो यूज करते हैं लोग पीईटी यूज करते हैं उसको बनाने में, तो उससे ज्यादा आपको ये एच डी पी जो है वो रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑब्वियस है क्योंकि आपका जो ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, तो जो हाई डेंसिटी है इसके वजह से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है। यही जब हम लोग बात करेंगे एलडीपीई का, तो एलडीपीई में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, इट हैज गुड इंपैक्ट रेजिस्टेंस, अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। वेरी लो मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बहुत लेस है, तो इसलिए आपको ये एक जब ऑयल के जार्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो उस अंदर में जो आप लिक्विड स्टोर करते हैं उससे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके वजह से भी इसका यूज जो है उस तरह के चीजों में, जो ग्रोसरीज वगैरह के आइटम्स में इसका यूज जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब गुड केमिकल रिएक्शन एंड हाई रिजिडिटी, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये केमिकल रिएक्शन भी इसका अच्छा होता है और आपको रिजिडिटी भी जो है वो इसका ज्यादा होता है। इट कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट पीरियड एंड 110 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली। ये 120 डिग्री सेल्सियस को अगर आप इंस्टेंट अगर आपका टेम्परेचर आ रहा है तो उसको भी रेजिस्ट कर सकता है, और अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो 110 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये लॉन्ग टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है। ये सारा इसका प्रॉपर्टीज है। अब इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग जब प्लास्टिक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब बात करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि एच डी पी ई आपको कहाँ पे हम लोग अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम लोग एच डी पी ई को कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपको एच डी पी ई का जनरल आपको प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल डी पी ई और एफ आर पी जी आर पी और अपने शीट्स के बारे में, जो प्लास्टिक शीट्स हम लोग यूज करते हैं। अब एलडीपीई की बात करते हैं, एलडीपीई और एचडीपीई दोनों आपको पॉलीएथिलीन का ही पार्ट होता है। तो एचडीपीई जो होता है उसमें जो आपको पॉलीमर का चेन होता है वो आपको लॉन्ग चेन्स होता है, तो लॉन्ग चेन जो होता है तो वो आपको डेंसर होता है, इसलिए एचडीपीई आपको ज़्यादा डेंसर होता है एलडीपीई से। और एलडीपी जो होता है उसमें आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन का आपको मिक्स पॉलीमर होता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपको एलडीपी जो है वो आपको लाइटर मटेरियल होता है एचडीपी के कॉम्पेटिवली। दोनों पॉलीथिलीन का पार्ट है, बट दोनों के अपने वर्किंग प्रोसेस में, दोनों के लोड कैरिंग कैपेसिटी में इसमें डिफरेंस होता है। तो एचडीपी का एग्जांपल हम लोग देख चुके थे, और एलडीपी का जनरल एग्जांपल जो होता है वो होता है जो हम लोग अपने कैरी बैग्स वगैरह यूज करते हैं वो पॉलीथिलीन, जिससे हम लोग कहते हैं वो आपको लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, पॉलीथिलीन ही होता है बट वो लो डेंसिटी वाला होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत कम यूज़ होता है एलडीपी, इसलिए एलडीपी पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एचडीपी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पाइप्स वगैरह जो आपके होते हैं, जो अंडरग्राउंड हम लोग पाइपिंग करते हैं चाहे सीवेज सिस्टम का या फिर कोई अगर ऑयल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आजकल रिसेंटली जो है वो आपको एचडीपी के पाइप्स वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो एलडीपी का अब ये प्रॉपर्टी है कि एलडीपी हैज मोस्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन ब्रांचिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलीएथिलीन, हम लोग डिस्कस कर लिए, देयरफॉर डेंसिटी इज लेस। ठीक है, दूसरा एलडीपी हैज लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ बट ग्रेटर डक्टिलिटी, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है बट डक्टिलिटी ज्यादा होता है, जैसे जैसे लोड आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसमें डक्टाइल बिहेवियर आता है, ब्रिटल बिहेवियर इसमें एलडीपी में नहीं होता है। बट क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहीं पे भी आपको ये एज अ सब्स्टिट्यूट इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एलडीपी सेमी रिजिड एंड ट्रांसलूसेंट पॉलीमर हम लोग डिस्कस किए थे कि ये सेमी रिजिड होता है और एचडीपी जो होता है वो आपका रिजिड होता है। ठीक है, एक तो लाइटर होता है एलडीपी और आपको सेमी रिजिड होता है, एचडीपी आपको डेंसर होता है और आपको रिजिड होता है। ठीक है, उसके बाद गुड रेजिस्टेंस टू अल्कोहल एसिड्स एंड डाइल्यूट अल्कलीज, तीनों ही तरह के जो आपके एसिड्स अल्कोहल्स एंड आपके अल्कलीज होते हैं वो तीनों से ही उसका अच्छा आपका गुड रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसके साथ ये आपको रेजिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए जनरली इसको जितने भी टाइप के पैकिंग मटेरियल्स होते हैं उन सारे में आप देखेंगे आपको एलडीपीई का यूज़ होता है, चाहे वो फूड पैकेजिंग हो, कोई आपको केमिकल पैकिंग हो, या फिर आप अपने जो आपके टेट्रा पैक वगैरह होते हैं उसके जो इंटरनल लाइनिंग्स हो, वो सारे टाइप के जो आपके कंज्यूमर डेली कंज्यूमिंग आइटम्स जो हैं उसमें आप देखेंगे एलडीपीई का यूज। ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहल अल्कलीज एसिड किसी के साथ भी आपको रिएक्ट नहीं करता है जनरली। अच्छा, टेम्परेचर रेशियस थोड़ा कम होता है एचडीपी के कॉम्पेटिवली, क्योंकि लाइटर मटेरियल है और आपको ये थोड़ा रिजिड भी कम है, तो इसलिए ये 80 डिग्री के कंटिन्यूस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का अगर इंस्टेंट टेम्परेचर आएगा तो वहां तक ये रेजिस्ट कर सकता है। उसके बाद लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, अब हम लोग
एलडीपी को जानते हैं, अगर हम लोग पॉलीथीन कैरी बैग की बात करें तो उसमें वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, वो अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो वाटर को रेजिस्ट करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ये जनरली आपको लिक्विड फॉर्म जब भी आप यूज़ करते हैं, जब लिक्विड की पैकिंग वगैरह देखते हैं तो उसमें आप एलडीपी का यूज़ देखते हैं, ठीक है। अब एलडीपी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एलडीपी आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, आपको एफआरपी जीआरपी होता है, एचडीपीई होता है, पीवीसी होता है, आरपीवीसी होता है, ठीक है। अब एफआरपी जीआरपी पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जो हम लोग लास्ट वाले क्लास में जब हम लोग फाइबर्स डिस्कस कर रहे थे तो कार्बन रेनफोर्स प्लास्टिक और ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, ये दोनों आपको क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उसके प्रॉपर्टीज भी आपको वहाँ डिस्कस थे। यहाँ फिर भी हम लोग एक शॉर्ट में इन जनरल लिख दिए हैं जो एफआरपी जीआरपी दोनों पे लागू होता है। क्या लिखा हुआ है, FRP इज अ कंपोजिट मटेरियल फॉर्मड ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड विद फाइबर्स। हम लोग ये डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि फाइबर के साथ जब हम लोग प्लास्टिक को मिक्स करते हैं तो वो आपको FRP बन जाता है। अब ये FRP में ये जो F है ये कहलाता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, तो F क्या है, फाइबर है, चाहे आप कार्बन फाइबर यूज कीजिएगा तो वो कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा CFRP, कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, या फिर वो ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा अगर आप ग्लास फाइबर्स यूज कीजिएगा तो। गुड थर्मल इंसुलेशन ये आपको पता ही होता है, एंटी स्लिप प्रॉपर्टी ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कि जो ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग वाटर पार्क के स्लाइड्स देख लें या फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जो आपके यूज़ होते हैं, जो आपके फ्लोरिंग वगैरह होते हैं, तो वो आप जब इसको ग्लास फाइबर उसके साथ मिक्स करते हैं HDPE के साथ या प्लास्टिक के साथ, तो उसमें आपको क्या होता है कि उसका जो एंटी स्लिप प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये एंटी स्लिप प्रॉपर्टी आपको फ्लोरिंग में इस वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अगर आप जनरल आप HDPE सिर्फ यूज़ करेंगे या आप जनरल अगर किसी भी फॉर्म का अगर आप प्लास्टिक यूज़ करेंगे फ्लोरिंग में, तो उसमें आपको फ्रिक्शन जो होगा वो थोड़ा लेस होगा, बट जैसे ही आप उसमें फाइबर्स मिक्स कर देते हैं तो आपको एंटी स्लिप प्रॉपर्टी भी मिल जाता है, ठीक है। डज नॉट मेल्ट ईजली, बहुत जल्दी ये आपको मेल्ट नहीं होता, लेकिन इंस्टेंट फायर कैच कर लेता है, बट फायर कैच करना और मेल्ट होना दो अलग अलग चीज़ है, तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। उसके बाद केमिकल और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। इजी टू शेप, आप जिस भी शेप में चाहेंगे, जीआरपी जो है उसका अपना कोई शेप नहीं होता है, आप जैसे उसको मोल्ड करना चाहेंगे वो वैसा मोल्ड हो जाएगा, तो शेप आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इजी टू शेप, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जितना इसका वेट होता है उस कंडीशन में ये आपको ज़्यादा वेट कैरी कर, ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है, ये लाइट वेट स्ट्रक्चर हैवी वेट्स कैरी कर सकता है, और जनरल अगर आप किसी प्लास्टिक की बात करेंगे तो वो उसी वेट में आपको कम लोड कैरी कर पाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, अपने वेट के हिसाब से वो ज़्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर पाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है तो हम लोग डिस्कस किए थे कि वाटर पाइप्स में, ड्रेन कवरिंग्स में, एंटी स्लिप फ्लोरिंग जो भी हम लोग बताए, और आपको इलेक्ट्रॉनिक के जो इनक्लोजर्स होते हैं, मतलब कई बार आपके इलेक्ट्रॉनिक का जो टोटल सेटअप होता है उसको आप इनक्लोज करते हैं एक जीआरपी के मटेरियल से, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छा होता है, आपको हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें नेग्लिजिबल होता है, तो इसके लिए आप कई बार इलेक्ट्रॉनिक के इनक्लोजर्स में भी इसको यूज़ करते हैं, चाहे कार्बन फाइबर रेनफोर्स करते हैं, चाहे आप ग्लास फाइबर रेनफोर्स यूज़ करते हैं, और स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स में भी ये जनरली यूज होने लगा है। जैसे कार्बन फाइबर हम लोग बताया कि बैडमिंटन और टेनिस रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक यूज करते हैं। तो ये है आपका ज्यादातर यूज होने वाला सारा प्लास्टिक। इसके साथ एक आपको वो शीट्स आता है जो हम लोग प्लास्टिक कवरिंग्स जिसको बोलते हैं, वो हम लोग जब कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग में आप देखेंगे कि ये अगर आपका फॉर्मवर्क है, इसके ऊपर आपका अगर एक स्लैब बनना है कुछ इस थिकनेस का, तो ये इसका अगर रेनफोर्समेंट यहाँ प्लेस किया गया है तो ये रेनफोर्समेंट प्लेस करने से पहले इसी शटरिंग के ऊपर आपके प्लास्टिक शीट्स यूज होते हैं। अब ये प्लास्टिक शीट यूज होने के बाद उसके बाद आपको कवर दिया जाता है, और कवर देने के बाद आपका रेनफोर्समेंट प्लेस किया जाता है। तो जब आप वो जो कवर मेंटेन होता है, जब आप इसमें कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट जो आपका फ्रेश कंक्रीट होता है तो उसमें आपको वाटर और सीमेंट जब वो कुछ टाइम्स इनिशियल सेटिंग टाइम जब उसका पार हो जाता है तब जा करके वो एक आपको हार्ड शेप में आता है। अदरवाइज आपको क्या होता है कि सीमेंट जो होता है वो सारा सीमेंट और वाटर पहले आपके बॉटम में जा करके पेनिट्रेट करके बॉटम में स्टेबल रहता है, फिर धीरे धीरे जब वो हार्ड हो जाता है तो आपको ये टोटल जो है कंप्लीट एक सिंगल मास की तरह आपको बिहेव करता है। तो वो जो वाटर जो सीमेंट का जो मिक्स है वो आपको पेनिट्रेट करके आपको कहीं नीचे गिर ना जाए, इस कंक्रीट का जो ये शेप आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, इस शेप में जो आप वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन हो, इसके लिए आप जो आपका शटरिंग नीचे होता है आप उस शटरिंग के ऊपर अपना प्लास्टिक शीट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल एक यही एक यूज ही है प्लास्टिक शीट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और बाकी आप उसको रैप करने के लिए बहुत जगह पे यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे आपको वाटरप्रूफ आपको कवरिंग चाहिए होता है तो वहाँ पे आप प्लास्टिक शीट का यूज़ कर लेते हैं उसको रैप करने के लिए। तो इससे ज़्यादा इसका और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्लास्टिक शीट का कोई यूज़ नहीं होता है।
तो ये है आपको सारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं पीवीसी का। तो पीवीसी को हम लोग जनरली यूज करते हैं जितने भी हमारे सैनिटेशन के जो मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं वहाँ पे हम लोग पीवीसी यूज करते हैं। तो क्योंकि उसमें कोरोजन प्रॉपर्टी भी, एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी होता है, तो जहाँ आप जब सैनिटेशन प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं पीवीसी को, तो वहाँ पे क्योंकि वाटर यूज़ हो रहा है, तो वाटर यूज़ हो रहा है तो उससे कोरोजन आने का चांसेस होता है। तो इसलिए जब आप पीवीसी यूज़ करेंगे तो उसमें कोरोजन नहीं आएगा। बट जैसे ही आपको थोड़ा लेस कॉस्टली चीज़ चाहिए होगा, या आपको थोड़ा रिजिड आपको मटेरियल चाहिए होगा किसी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे आप सीवेज के वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है या ग्राउंड के अंदर आपको इंसर्ट करके आपको पाइप्स वगैरह ले जाने हैं, तो उसमें पीवीसी का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपको कम होता है, प्लस वो लोड पड़ने पे वो बेंड होने का उसमें प्रोबेबिलिटी रहता है। उस केस में हम लोग यूज़ कर देते हैं अपना आरपीवीसी, वो रिजिड पीवीसी होता है। तो हम लोग अंडरग्राउंड पाइपिंग्स वगैरह में, फिर ड्रेन तक में, अगर हम लोगों को किसी अगर हाउस से जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स या फिर पानी वगैरह का जो डिस्चार्ज होता है उसको अगर बाहर ड्रेन तक ले जाना है, अंडरग्राउंड ड्रेन तक, तो उसके लिए हम लोग आरपीवीसी वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद HDPE, ये हम लोग जनरली जो हम लोगों का आप शीट वगैरह देखते हैं, जो आप शेडिंग बनाते हैं, तो उस शेडिंग में पहले आपको एस्बेस्टस शीट्स यूज़ हुआ करता था, फिर आपको आयरन शीट्स वगैरह यूज़ हुआ करता था, अब आपको आ गया है HDPE का भी शीट यूज़ होता है। तो ये भी आपके डोर वगैरह के जो आपके साइडिंग्स होते हैं, डोर के बगल में आप जो अपना डेकोरेटिव पर्पज से जो आप डोर के, अगर हम लोग एक ऐसा डिज़ाइन होता है कि ये आपका डोर होता है, इसके बगल में कई बार आप देखेंगे कि आप डोर का जो साइज़ होता है वो आप इंक्रीज करके, यहाँ आपका वॉल होता है इस तरह से, और आप डोर ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इस तरह से हैंडल लगा होता है, और ये वाला पोर्शन में भी आप कई बार कुछ डेकोरेटिव इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें जो आप वगैरह मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये आपका वुड का नहीं होकर के आप HDPE का यूज़ करते हैं। प्लस हम लोग एक सिंपल एग्जांपल दिए कि आपका फ्लोरिंग वगैरह में भी HDPE का यूज़ होता है, क्योंकि वो थोड़ा डेंस होता है, उसको हम लोग फिर ग्लास फाइबर रेनफोर्स के साथ, अगर ग्लास फाइबर के साथ मिक्स कर दें तो वो मिक्स करके हम लोग फ्लोरिंग, एंटी स्लिप फ्लोरिंग बना सकते हैं। तो ये सारा जो होता है आपका जनरल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें से सैनिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ को इन्वॉल्व करता है। अदरवाइज आपके कंक्रीट वगैरह में आप फाइबर को यूज़ करते हैं, और इससे ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई नॉन आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होता है प्लास्टिक का। तो यूनिट वन में हम लोगों को पढ़ना था फाइबर, फाइबर हम लोग का लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया, प्लास्टिक पढ़ना था वो हम लोग के आज वाले क्लास में डिस्कस हो गया। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं जो कि डिस्कस करने लायक उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आपके नोट्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको एक बार रीडिंग देंगे तो वो चीज़ें आपको सिंपल है, वो एकॉस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हैं, और वो आपको कोई मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। आपको मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स फाइबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, फाइबर्स में तीनों टाइप पूछ सकता है, प्लास्टिक में तीन चार टाइप पूछ सकता है, तो ये सारे आपको चार मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट नंबर वन से। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को अब स्किप करके सीधे यूनिट नंबर टू पे पहुंच जाते हैं, जिसमें हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ट्रिमिक्स फ्लोरिंग क्या होता है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पे, और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।